हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग आपको लेके जा रहे हैं एक नई प्लेस की वाटरफॉल प्लेस, यानी कि वाटरफॉल जो खुद मैंने भी नहीं देखा है, तो बहुत सारे देखे हैं उसके मैंने, देखते हैं खुद जाके कैसा दिखता है। तो आइए चलते हैं, और मैं का आपके लिए गूगल मैप डाल दूँगी, मैं थोड़ा रोड भी दिखा दूँगी। चलो चलते हैं वहाँ पर देखने के लिए। उसके वाटरफॉल पे जा रहे हैं, और आधे रास्ते में जाते समय ना गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है राइट साइड में, वाटरफॉल दिखता है और मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। पर मुझे पता नहीं कैमरा में कितना आएगा, ऐसा लग रहा है कि मैं दूधसागर वाटरफॉल देख रही हूँ करके। देखो कितना ऊपर से पानी गिरता है इस वाटरफॉल पे, नाम है कुस्केम वाटरफॉल। देखो कितना खूबसूरत दिखता है यहाँ से, तो के बीच और भी बहुत खूबसूरत लगता है। देखो तो हम लोग अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पे है टिकट काउंटर भी है, मतलब इस वाटरफॉल पे जाने के लिए आपको टिकट लगती है। ये देखो यहाँ ऐसे कैसे जाना है टिकट काउंटर पे पता नहीं, तो चलो ढूंढते ढूंढते चलेंगे हम साथ में। नीचे ना गाड़ी रख के आपको थोड़ा सा ऊपर ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा, थोड़े एसी वाली चढ़ाई है, पर वाटरफॉल देखने के बाद वो चढ़ाई वर्थ कहलाती है। ये देखो पीछे चाबी से खेल रहा है ये। चलो अभी चलते हैं। पीछे ना टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर पे ना अडल्ट पर पर्सन को सेंचुरी फी करके उन लोग 100 रुपीस लेते हैं बस एक वाटरफॉल देखने के लिए, और बच्चे लोगों को 30 रुपीस, और अगर आपके पास कैमरा है तो 200 रुपीस एक्स्ट्रा। मतलब ऐसे कुछ इस तरह से दिखती है टिकट, और वो बोल रहे कि सारा पैसा ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जाता है। आप टिकट लेने के बाद ना
आगे जाते जाते आपको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखने मिलेंगे। पीछे एक था और यहाँ पे नीचे भी एक है। तो अभी हम पहुँचने वाले ही हैं वाटरफॉल पे, तो आपको तो चलिए चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वाटरफॉल देखने के लिए। नीचे से 10-15 मिनट तो ट्रैकिंग है ही है। ओ भाई साहब, ये वाटरफॉल कितना बड़ा है यार। यहाँ से ना अभी मुझे दिख रहा है वाटरफॉल ट्रेलर जैसा, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये बस 1% वाटरफॉल दिख रहा है मुझे यहाँ से। चलो आगे जाके देखते हैं कैसा है वाटरफॉल। क्या आप रेडी हो वाटरफॉल देखने के लिए? चलो मैं आपको आधा 50% दिखाती हूँ वाटरफॉल कैसा दिखता है यहाँ से। 1, 2, 3 अब हम चलते हैं बाकी जो 50% बचा है ना वाटरफॉल वो देखने के लिए। ओह माय गॉडनेस, कितना खूबसूरत और कितना बड़ा दिख रहा है वाटरफॉल। क्या आप 100% वाटरफॉल देखने के लिए तैयार है? चलो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा वाटरफॉल कैसे दिखता है। बहुत ही अच्छा, इतना जबरदस्त वाटरफॉल है ना गोवा में, बहुत ही अच्छा वाटरफॉल। मोबाइल पे ना बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी है ऊपर पत्थर के ऊपर। चलो पहले कवर डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। Thank you.
पे वाटरफॉल पे कितना क्राउड है। अभी हम लोग ना नीचे आ चुके हैं, देखिए पैर बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना जो पत्थर थे ना वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी थे और आपको बहुत ज़्यादा संभल के ऊपर चढ़ना पड़ता है इस वजह से। महादेव उसको कुछ नहीं होता है। तो अभी आपको थोड़ा नीचे जाके मिलती हूँ। तो हम लोग अभी वाटरफॉल देख के पूरा नीचे आ गए हैं। वाटरफॉल देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जबरदस्त वाटरफॉल था। हाँ सच, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाटरफॉल था, अच्छा लगा अभी जाके। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वाटरफॉल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे, तब तक के लिए बाय। रास्ता देखो कितना खूबसूरत है।